हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंजल और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं डिजाइनर कलेक्शन है, लहंगाज है, साड़ी से सब कुछ है, टोटल 5 आउटफिट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात की आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो, चाहे वो अमेजोन से हो, फ्लिपकार्ट से हो, क्लब फैक्ट्री से हो, कहीं से भी हो, तो आप मुझे इंस्टा पे उसके लिए आपको फॉलो करना होगा। और इंस्टा पे आप अपनी रिक्वेस्ट है मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तो वो प्रोडक्ट मैं डेफिनेटली रिव्यू करूंगी। और मेरे चैनल पे गिव अवे भी चल रहा है, तो अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो गिव अवे की वीडियो की लिंक जो है वो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेरी दूसरी चैनल है डीएवे, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारा जो कलेक्शन है वो क्रीवा का है। क्रीवा जो है वो ऑनलाइन एथनिक वेबसाइट है, जहाँ पे आपको हर टाइप का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। डिजाइनर पार्टी वेयर, वेडिंग्स के लिए जो लहंगा साड़ी सब कुछ होता है, उनकी वेबसाइट है। और ये सारे जो प्रोडक्ट मैंने ली है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस क्रीवा से भी आप कुछ देखना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में, तो आप मुझे इंस्टा पे लिंक भेज सकते हो प्रोडक्ट की, मैं डेफिनेटली उसका रिव्यू करूंगी। ये जो है वो पूरा ब्राइडल लहंगा है, इस तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस तरह के पैकेजिंग में पैक होके आया है, और खोल के देखते हैं हम वर्क वगैरह कैसा है इसका, फैब्रिक वगैरह। रेड ब्राइट रेड कलर का है, वेडिंग के लिए बेस्ट है। वाओ बहुत ब्यूटीफुल है, आप देखिए। अगर आप ब्राइडल हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, आंख बंद करके ले सकते हो। वो लड़के इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये जो है वो पूरा वेलवेट वाला है और बहुत ही हैवी है, और सेमी स्टिच है ये स्कर्ट जो है वो सेमी स्टिच है। आपको दिखा देती हूँ, देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है, वर्क किया गया है, सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, स्टोन वर्क है इसके अंदर, और आपको कैन भी मिल रहा है, और बहुत ब्यूटीफुल है। आंख बंद करके ले सकते हो, मुझे बहुत ही पसंद आया। इसका फैब्रिक जो है वो वेलवेट का है, पूरा लहंगा जो है वो वेलवेट का है। आप स्कर्ट देखिए, ब्लाउज दुपट्टा भी इतना ही हैवी है। आप वेस्ट में देखेंगे तो ऐसे बॉर्डर मिल जाएगी, ये सेमी स्टिच है, और ये जाएगा डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल तक, डबल एक्सएल तक जाएगा। स्टिच होने के बाद इस तरह का लगेगा, और ये देखिए नीचे तक, देखिए आप ऊपर से नीचे तक, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ब्राइट रेड कलर का है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसकी क्वालिटी देखते तो बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर आपको कैन मिलता है जैसे मैंने बताया वैसे ही, तो पूरा भरा हुआ है स्कर्ट जो है वो इस तरह से, मस्ट बाय है, मस्ट बाय। अगर आप ब्राइडल हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। इसके साथ ब्लाउज पीस जो आया है आप देखिए, वो भी इतना ही हैवी है, मतलब कि स्कर्ट जितना हैवी है उतना ही ये भी हैवी है, साथ ही में इतना ही ब्यूटीफुल है। ब्लाउज पीस में आपको इस तरह का पूरा वर्क मिलता है, आप जैसे देख रहे हो वैसे ही हैवी है पूरा, और ये भी वेलवेट का है अगेन, और नेक वगैरह आप देखोगे तो थ्रेड स्टोन वर्क सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। स्लीव में आपको इस तरह का लगाने को मिल जाएगा। ये एक साइड का है, दूसरी साइड का मैं दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा है यार, मस्ट बाय है, डेफिनेटली आप ले सकते हो। ये देखिए ये रहा दूसरा, तो ये आपको मिल जाएगा, आप बैक साइड में लगा सकते हो। ये स्लीव्स वगैरह है, ये बॉर्डर्स है, पूरा ब्लाउज पीस हैवी है, ये भी वेलवेट का है, इसका जो फैब्रिक है वो भी वेलवेट का है, और ब्राइट रेड कलर का है। ब्राइडल के लिए ये मस्ट बाय है, इसको आप डेफिनेटली ले सकते हो। की बात करते तो दुपट्टे में भी आपको इतनी हैवी बॉर्डर मिलती है वेलवेट वाली, और इसके अंदर भी थ्रेड एंड स्टोन वर्क किया गया है बॉर्डर में, और दुपट्टा जो है वो नेट का है, पूरा भरा हुआ है, आप देख सकते हो सॉफ्ट वाली नेट है, और बीच में आपको ऐसी फ्लावर वाला स्टोन वर्क एंड थ्रेड वर्क मिल जाता है, तो पूरा दुपट्टा जो है वो भी हैवी है। तो तीनों के तीनों ब्लाउज पीस भी मुझे इसका इतना ही पसंद आया है। दुपट्टा भी आप देख सकते हो, चारों तरफ आपको इतनी हैवी सी बॉर्डर मिलती है, बीच में भी आपको इस तरह का वर्क मिल जाता है, तो जिसकी वजह से इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो मस्ट बाय है, डेफिनेटली ये वाला आप लहंगा जो है वो ले सकते हो। पर इसके साथ उन्होंने बॉर्डर्स भी दी है इस तरह की,
तो आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग इसको स्लीव में वगैरह में कहीं पे भी इसको लगवा सकते हो इस तरह की। ये भी पूरी हैवी है, वेलवेट की है, इसके अंदर भी वर्क किया गया है, तो ये बॉर्डर भी आपको मिलती है इसके साथ, तो जो अच्छी बात है आप डेफिनेटली ले सकते हो। उसके बाद जो है वो इस तरह का है, इसका पीक बहुत ही ब्यूटीफुल था और मुझे बहुत ही पसंद आया था एक्चुअली में। ब्लैक कलर का है कुर्ता, शरारा का मतलब की सेट है पूरा जो है वो। तो हम वन बाय वन करके देखते खोल के, बहुत ही अच्छा है। ये जो है वो टॉप है ब्लैक कलर का, जैसे आप देख रहे हैं वैसे। इसका फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट का है और आपको यहाँ पे देखोगे तो मिरर वर्क मिलेगा, आर्टिफिशियल मिरर वाला वर्क मिलता है नेक में। ये सेमी स्टिच है, आपको अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवाना पड़ेगा आपकी जो भी साइज होती है वो। और स्लीव देखते हैं तो स्लीव भी भरी हुई है पूरी, पूरी स्लीव में आपको ऐसा सिक्वेंस वर्क मिल जाता है, गोल्डन वर्क है थ्रेड वाला और सिक्वेंस वर्क भी है और पूरा जो है वो जॉर्जेट का है। स्लीव में लाइनिंग नहीं है बट ये पूरी जो कुर्ती है उसमें आपको लाइनिंग मिल जाएगी। और ये लॉन्ग स्ट्रेट कट कुर्ती टाइप का है और साइड में भी आपको यहाँ पे स्लाइड स्लिट जो होती है वहां पे भी आपको ऐसे मिरर वर्क मिल जाता है। लेंथ जो है वो मीडियम है, स्ट्रेट कट है और मीडियम लेंथ है। बैक साइड देखते हैं इसकी, तो बैक साइड आपको इस तरह की मिलती है ऊपर से नीचे तक की, तो पूरी जॉर्जेट की है और अच्छी है। इसके साथ जो प्लाजो मतलब शरारा है वो बहुत ही हैवी है, ये भी ब्लैक कलर का है, जॉर्जेट फैब्रिक है। वेस्ट में आपको ऐसा इलास्टिक मिल जाता है और इसका फेयर है वो बहुत ही अच्छा है आप जैसे देख रहे हो वैसे। और नीचे आपको पूरा भरा हुआ मिल रहा है, इस तरह के सीक्वेंस वर्क है, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई है और इसके अंदर भी लाइनिंग है, तो आपको वो जो ट्रांसपेरेंट का प्रॉब्लम आता है वो नहीं आएगा और इसकी वजह से इसका लुक जो है वो बहुत ही हैवी आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये पार्टी वेयर है, आप कोई भी पार्टीज में इवनिंग फंक्शन में भी इसको पहन सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसके साथ जो दुपट्टा है वो नेट का है, ब्लैक कलर का है, बीच में से देखते तो पूरा प्लेन है और चारों तरफ आपको ऐसी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी एंड आर्टिफिशियल जो मिरर आते हैं वो वाली लेस आपको मिल जाती है इस तरह की। तो पूरी पैर जो है वो अच्छी है, डेफिनेटली आप ले सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो तो बिग थम्स अप है, डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो, तो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद का जो है वो इस तरह का लहंगा है, येलो कलर का है। अगर आप वेडिंग के लिए हल्दी फंक्शन के लिए लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, इवन संगीत डांडिया वगैरह में भी इसको पहन सकते हो, रिसेप्शन में भी पहन सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है इस तरह का है पूरा। ये जो है वो नेट का है, आपको पूरा खोल के दिखाती हूँ। स्कर्ट जो है वो सेमी स्टिच है इस तरह का, ऊपर से नीचे तक पूरा भरा हुआ है, पूरा वर्क किया गया है इसके अंदर, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, डार्क पिंक लाइट पिंक सीक्वेंस वगैरह है। नीचे भी आपको पूरा आप देखिए नीचे का जो है वो पूरा हैवी हो जाता है, सीक्वेंस वर्क मिलता है इसके अंदर। कैनकैन है तो अलग से आपको कैनकैन का स्कर्ट नहीं लेना पड़ेगा, आपको अंदर ऐसी लाइनिंग भी मिलती है सैंटून मटेरियल की। और इसका फ्लेयर जो है वो बहुत ज्यादा है और वेस्ट जो इसकी है ट्रिपल एक्सएल तक जाएगी, 4XL तक आई थिंक जाएगी। तो जो लोगों को प्लस साइज का लहंगा चाहिए वो लोग ये ले सकते हैं और इसका लुक स्टिच होने के बाद इस तरह का लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये ट्रिपल एक्सएल तक तो जाएगा ही जाएगा, तो अगर आपकी वेस्ट साइज वहां तक की है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। नेट का जैसा मैंने बताया वैसे फैब्रिक है, सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है जिसकी वजह से इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसका फ्लेयर बहुत ज्यादा है। इसके साथ जो ब्लाउज पीस आया है बहुत ही ब्यूटीफुल है, पूरा भरा हुआ है, सीक्वेंस वर्क किया गया है और इसका फैब्रिक नेट का है, नेट के ऊपर वर्क किया गया है ये देखिए। तो बैक साइड फ्रंट साइड आपकी पूरी हैवी हो जाएगी, सीक्वेंस वर्क है, एम्ब्रॉयडरी जो वर्क लहंगा में मतलब कि स्कर्ट में दिया गया था सेम टू सेम वर्क आपको ब्लाउज पीस में भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसका लुक जो है वो बहुत ही हैवी आएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो आपका ब्लाउज पीस भी जो है वो बहुत ही हैवी हो जाएगा
और इसके साथ जो दुपट्टा मिलता है वो येलो कलर का नेट का मिलता है, जिसमें आपको ऐसी पिंक कलर की और इसके ऊपर गोल्डन थ्रेड वर्क किया गया है ऐसी बॉर्डर मिलेगी। चारों तरफ पिंक कलर की, रानी पिंक कलर की नेट का प्लेन दुपट्टा है इस तरह का, और नेट की क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये जो है वो दुपट्टा है, तो ये वाला भी आप ले सकते हो, इसके लिए भी बिग थम्सअप है, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जो है वो ये इस तरह का है, रॉयल ब्लू कलर एंड लाइट पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में। खोल लेते हैं पूरा पैकेजिंग, जैसा मैंने बताया वैसे ही पैकेजिंग इनकी बहुत ही अच्छी होती है। सभी के साथ आपको सेपरेटली ऐसा साड़ी कवर मिल जाता है, तो आप अच्छे से इसको रख सकते हो। सबसे पहले तो दिखा दूं, ये लटकन्स मिलते हैं आपको इसके साथ, इस तरह के जो आप लगवा सकते हो स्कर्ट वगैरह में, इस तरह के बहुत ही ब्यूटीफुल है। स्कर्ट से हम स्टार्ट करते हैं, ये भी लहंगा है रॉयल ब्लू कलर का है, और ये जो है स्कर्ट वो स्टीच है, और इसकी वेस्ट साइज जो है वो 4XL तक या 4XL से भी ज्यादा जाएगी, तो ये भी प्लस साइज के लिए जाएगा। वेस्ट में आपको ऐसी गोल्डन बॉर्डर मिलेगी, रॉयल ब्लू कलर का है, इसका फैब्रिक जॉर्जेट का है, बीच में आपको ऐसा गोल्डन सीक्वेंस वर्क एंड मिरर वर्क मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसके अंदर लाइनिंग भी है। इसके अंदर कैन कैन नहीं है, बट इसका जो स्टिच किया हुआ है ना वो ऐसा ही फ्लेयर वाला है, तो आपको आई थिंक कैन कैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत लाइट वेट है, आप जब पहनोगे तो आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। तो वेडिंग के लिए, पार्टीज के लिए, फेस्टिवल के लिए, हर किसी में जाएगा वो टाइप का है। आगे पीछे दोनों तरफ आपको इस तरह का वर्क मिलता है स्कर्ट में, जिसकी वजह से इसका जो लुक है वो बहुत ही हैवी आता है। इसके साथ जो ब्लाउज पीस है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी हैवी है, ये देखिए पूरा इसका फैब्रिक भी जॉर्जेट का है, रॉयल ब्लू कलर का है, रियल जो मिरर आते हैं वो वाले वर्क किया गया है इसके अंदर, और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है, तो पूरा ब्लाउज आपका हैवी हो जाएगा। ये देखिए पूरा फ्रंट आपका हैवी हो जाएगा, ये आप स्लीव में डलवा सकते हो, पूरी स्लीव इसकी वजह से हैवी हो जाएगी, तो पूरा जो है वो इस तरह का है। और ये भी मिलता है आपको, ये जो है वो बैक साइड का, मतलब कि बैक साइड एंड फ्रंट साइड, आई थिंक ये फ्रंट है, फ्रंट साइड में आप देखिए इस तरह का, और वो मैंने दिखाया था बैक साइड थी, और ये दूसरी स्लीव है, तो बैक साइड एंड फ्रंट साइड जो है पूरी हैवी हो जाएगी। और दुपट्टे की बात करते तो दुपट्टा इस तरह का मिलता है, लाइट पिंक कलर का, इसके अंदर भी आपको बॉर्डर्स मिलती है मिरर वाली, और गोल्डन वर्क मिलता है, सिक्वेंस वर्क है, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसकी बॉर्डर जो है वो बहुत ही हैवी है, रॉयल ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी है, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है, रियर जो मिरर आते हैं वो है, और बीच बीच में भी आपको ऐसे बीड्स वाला मिल जाएगा, तो इसकी वजह से इसका लुक जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही हैवी आएगा, लाइट पिंक कलर का है, और ये भी आप डेफिनेटली ले सकते हो, पूरा दुपट्टा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इसके लिए भी मेरी तरफ से बिग थम्सअप है, इसको भी आप ले सकते हो, क्योंकि इसका ब्लाउज पीस स्कर्ट सब कुछ बहुत ही अच्छा है। बहुत ही पैकेजिंग की बात करते तो इस तरह के पैकेजिंग में आता है, जैसे मैंने बताया ये मेरा क्रीवा का 5th आई थिंक वीडियो है, इससे पहले 4 या 5 कर दिए, आई थिंक 6th वाला वीडियो है ये, तो मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी क्रीवा के कर दिए हैं, तो आप देख सकते हो, और क्रीवा का कलेक्शन अच्छा होता है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बिकॉज की अफोर्डेबल प्राइस में होता है, 1500-2000 में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती है। सबसे पहली जो है वो इस तरह की साड़ी है, ये जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, पार्टी वेयर है, वेडिंग में भी पहन सकते हो, पार्टीज में भी पहन सकते हो, इवन फेस्टिवल में भी पहन सकते हो, वो टाइप की है। तो चलो पूरी खोल के देख लेते हैं, इसका पोस्टर पीस जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, आई थिंक दीपिका पादुकोण वाला है, और बहुत ही अच्छा है। पल्लू से स्टार्ट करते हैं, जैसे एज ऑलवेज करते हैं, तो पल्लू की बात करते तो इस तरह का मल्टी कलर का पल्लू मिलता है आपको, और चारों तरफ आपको ऐसी बॉर्डर मिलती है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसी गोल्डन जो सीक्वेंस टाइप की जो बॉर्डर आती है वो मिलती है, बीच में भी आप पूरे पल्लू में सीक्वेंस वाला वर्क मिलता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके अंदर मल्टी कलर्स है, जैसे आप देख रहे हो वैसे ही,
ग्रीन है, येलो है, रेड है, इस तरह के, और बहुत लाइट वेट है। आप इसको कभी भी पहन सकते हो, फेस्टिवल में भी पहन सकते हो, वेडिंग्स में भी पहन सकते हो। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही बहुत ही लाइट वेट है, पार्टीज के लिए या कॉकटेल पार्टीज या कॉलेज में फेयरवेल पार्टीज होती है उसमें भी आप पहन सकते हो, वो टाइप की है। इवन इवनिंग फंक्शंस में भी आप इसको पहन सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है और साथ ही में बहुत लाइट वेट है, तो आपको बिल्कुल भी हैवी हैवी फील नहीं होगा कि आप कभी साड़ी नहीं पहनते हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं और कभी कभी पहनते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है ये वाली। ब्लाउज पीस की बात करते हैं तो इस तरह का आपको बागलपुरी सिल्क वाला रॉयल ब्लू कलर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, पूरा प्लेन है बिकॉज की पूरी साड़ी जो है वो प्रिंटेड है, सिक्वेंस है इसके अंदर, इसीलिए ब्लाउज जितना प्लेन होगा तो कॉन्ट्रास्ट होगा तो ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ब्लाउज पीस जो है वो पूरा प्लेन है, और नहीं सॉरी पूरा प्लेन नहीं है, इसके अंदर आपको सिक्वेंस मिलता है बिकॉज की ये सेल्फ सिक्वेंस है, इसीलिए ब्लू कलर का ही आपको सिक्वेंस मिलेगा, सेल्फ सिक्वेंस है। शायद आपको कैमरे में दिख रहा होगा यहाँ पे जो है वो शाइन कर रहा है, तो इस तरह का मिलेगा। तो बैक साइड और फ्रंट साइड पूरी भरी हुई है, ये बैक साइड है और ये जो है वो फ्रंट साइड है, ये वाली जो है, तो आप ले सकते हो। पूरा हैवी है, ब्लू कलर की सेल्फ सिक्वेंस की गई है जिसकी वजह से आप देखिए बहुत ही अच्छा लगता है और पार्टी वेयर लुक आता है। पूरा ब्लू कलर का है तो आप किसी और साड़ी या लहंगे के साथ भी मिक्स एंड मैच करके उसको पहन सकते हैं, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट में कौन सा नेक्स्ट क्रीवा का या और कुछ आप क्या देखना चाहते हो, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या मेल कर सकते हो, नीचे कमेंट में आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो कौन सी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो। गिव अवे भी चेक कर लीजिएगा, डीआईवाई वाली चैनल भी चेक कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, कौन सा वाला ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।